हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था अर्थ और उससे रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में, जियोमॉर्फोलॉजी बेसिकली चैप्टर था। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओशिनोग्राफी। छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, फटाफट कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एज वेल एज some ongoing courses on our YouTube. These are prelims special, mains special and test series based on the subscription. तो सबसे पहले अगर बात करें ओशनोग्राफी के बारे में, तो oceans basically हमारे अर्थ के 70% पार्ट को कवर किए हुए हैं। Obviously these are not drinking water, क्योंकि ये saline होते हैं और जिसके कारण से इनको पी पाना, इनको drinking water के use में use करना, ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ओशनोग्राफी इज बेसिकली द साइंस ऑफ ओशियंस एंड डीप सी। तो बेसिकली ओशनोग्राफी में जो हमें चैप्टर में डील करना है, वो कुछ टॉपिक्स मैं बता दे रहा हूँ कैसे डील करना है। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस ओशियन बॉटम टोपोग्राफी, जो बॉटम में टोपोग्राफी होती है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक इतना लैंड फॉर्म वगैरह पढ़ा हुआ है, उसके बारे में बेसिकली हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग टोपोग्राफी के बाद देखेंगे हम लोग ओशियन करेंट्स के बारे में। तो बहुत सारी ओशियन करेंट्स होती हैं, जैसे हमें कोल्ड करंट होती है, वार्म करंट होती है, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे अलग अलग जगहों पे, जैसे अटलांटिक, इंडियन ओशियन एंड देन पैसिफिक ओशियन, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे बेसिकली टेम्परेचर वेरिएशन और सेलिनिटी वेरिएशन। ये जो वेरिएशन हम लोग देखेंगे बेसिकली वो दो तरीके से देखेंगे, एक देखेंगे थ्रू आउट अर्थ पे किस तरीके से चल रहा है, और दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे डेप्थ के हिसाब से, मतलब कि ओशियन के डेप्थ में जाने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर का ग्राफ कैसा जा रहा है, सैलिनिटी की ग्राफ कैसे आ रही है। उसके बाद से हम लोग छोटे मोटे कुछ और भी टिटबिट्स वगैरह ले लेंगे, काफी छोटे मोटे टॉपिक्स आ जा रहे होते हैं यहाँ पर, इन सबको देखेंगे। इस टिटबिट में बेसिकली जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कोरल रीफ के बारे में, कोरल रीफ कैसे बन रहे होते हैं, क्या टाइप होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है, बैरियर रीफ क्या होती है, एटॉल्स क्या होती है, लगूंस क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है ओशियन बॉटम रिलीफ के बारे में। तो इस ओशियन बॉटम रिलीफ के बारे में अगर आप देखेंगे, या ओशियन बॉटम टोपोग्राफी भी बोलते हैं, तो एक फिगर आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर, ये जो ब्राउन कलर से बना हुआ है, ये बेसिकली है कॉन्टिनेंट। और ये कॉन्टिनेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ओशियन फ्लोर है उसके साथ में जाकर के यहाँ पर लगा हुआ है। ऑब्वियसली बात है कि हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि जो कॉन्टिनेंट होता है उसकी हाइट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ओशियन, और इस कारण से यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट का मच ऑफ द पार्ट है वो ओशियन में जा करके लगा होगा। जैसे मान लेते हैं कि दिस इज द थिंग, मान लेते हैं शुरुआत में ऐसी रही होगी, अब यहाँ पर क्या है, वाटर है, तो वाटर ऐसे आराम से तो इसको रहने नहीं देगा, ऑब्वियसली यहाँ पर कटपिट करना शुरू कर देगा। तो ये जो इलाका है जितना मैंने शेडेड पोर्शन किया है, इसे रिवर ने या वाटर ने या ओशियन की जो भी वाटर है, इसने इरोड कर दिया है। और इस इरोड करने के कारण, इस इरोजन के कारण हमें इस तरीके का सरफेस देखने को मिलेगा, बॉटम रिलीफ देखने को मिलेगा। इस ओशियन बॉटम रिलीफ में हम लोग कहीं से भी ओशियन प्लेट के बारे में सिर्फ बात नहीं कर रहे होंगे, यहां पर ओशियन बॉटम रिलीफ में ऑब्वियसली ओशियन प्लेट भी होंगी, साथ ही साथ कॉन्टिनेंटल प्लेट भी होंगी, दोनों के दोनों ही प्लेट यहां पर हमें देखने को मिलेंगी। तो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है उसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन, दीज आर कॉन्टिनेंटल मार्जिन। और जो ओशियन का प्लेट हो जाती है वहां तो ओशियनिक सरफेस ही बोल सकते हैं या ओशियन बॉटम ही बोल सकते हैं। इस सरफेस में अगर देखेंगे तो यहां तक आपकी आ रही है कॉन्टिनेंट का पार्ट, और इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन, दिस इज कॉन्टिनेंटल मार्जिन। और उसके आगे तो ओशियन आ जा रही होती है, तो दिस इज बेसिकली द, इसके बियॉन्ड जो है वो ओशियन आ जा रही है। इस कॉन्टिनेंटल मार्जिन में बेसिकली देखेंगे तो हमारे पास तीन तरीके की चीजें आ जाती हैं। एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद दूसरे नंबर पे हमारी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, दिस इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। और ये आप देख सकते हैं कि यहां तक शेल्फ है, फिर उसके बाद से स्लोप स्टार्ट हो जा रही होती है। स्लोप के बाद और लास्ट में हमारी एक पार्ट आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। तो ये हमारे पास बेसिकली तीन टॉपिक्स हो जाते हैं, या कह सकते हैं तीन सेक्शन होते हैं हमारे कॉन्टिनेंटल मार्जिन में, जो कि कॉन्टिनेंट के एक्सटेंशन पार्ट की तरफ बता रहे होते हैं। और लास्ट में हमारी होती है जो ओशियन होती है, ओशियन में कई सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे अबाइजल प्लेन, तो वैसे मेजर प्लेट होती है अबाइजल,
प्लेन और दूसरी और भी कुछ माइनर यहां पर हमें फीचर्स देखने को मिल जा रहे होते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में जरा चर्चा करते हैं हम लोग, और देख सकते हैं आपके अलग अलग फोटोग्राफ बने हुए हैं। जैसे यहां पर ये ग्रीन सेक्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, दिस आर बेसिकली कॉन्ट्रेंड का पार्ट है ये, और ये कॉन्ट्रेंड लगातार अब अंदर की ओर में जा रहा है, तो ये जो है बेसिकली वो कॉन्ट्रेंटल शेल्फ हो जाएगी। दिस इज बेसिकली कॉन्ट्रेंटल शेल्फ, और इस शेल्फ के बाद देख सकते हैं आप एक स्लोप देखने को आपको मिल रही है। ये देखिए फोटोग्राफ काफी ज्यादा आपको रियलिस्टिक पिक्चर दिखा देगी। यहां पर आपको देखने को मिलेगा दिस इज बेसिकली स्लोप। इस स्लोप के बाद आपको देखने को मिलेगा कि आगे की भी कुछ चीजें आ रही हैं, बट दिस इज समथिंग लाइक विच इज कनेक्टिंग विद द ओशियन। तो ये जो कनेक्टिंग बॉडी होती है, इस कनेक्टिंग बॉडी को हम लोग बोल रहे होते हैं कि ये कॉन्टिनेंटल राइज होती है, बेसिकली यहां पर है कॉन्टिनेंटल राइज। तो यहां पर अगर देखें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो स्लोप आपको देखने को मिलेगी वो रिलेटिवली लेसर स्लोप देखने को मिलेगी, कह सकते हैं 1 डिग्री टू 2 डिग्री आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है ये अच्छा खासा स्लोप ले हुआ है, 2 टू 3 डिग्री, कई बार 5 डिग्री तक भी देखने को हमें मिल जा रही होती है। जबकि इस राइज के बारे में बात करें तो ये सबसे ज्यादा लोवेस्ट, या कह सकते हैं एकदम लोवेस्ट यहां पर इसको एंगल देखने को मिलेगा या डिक्लाइन देखने को मिलेगा, और यहां पर लेस देन 1 डिग्री कह सकते हैं कि इसको स्लोप जो है वो मिल जा रही है। और ये जो कॉन्टिनेंटल राइज है अल्टीमेटली आगे जाकर के अबाइजल प्लेन में मिल जा रही है, जो कि बेसिकली ओशियानिक प्लेन होती है। दिस इज ओशियानिक प्लेन। इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स बने हुए हैं छोटे छोटे, यहां पर देखिए एक वोल्केनो भी दिखाई गई है। ये वोल्केनो बेसिकली दिखाने के पीछे रीजन ये है कि यहां पर बेसिकली रिज फॉर्मेशन हो जाएगा। इस रिज फॉर्मेशन के साथ साथ और भी छोटी छोटी फीचर्स बनती है, जैसे शोल होती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या चीज है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो वन बाय वन करके जरा आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले एक और फोटोग्राफ देख लेते हैं। ये फोटोग्राफ है, यहां पर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली है कॉन्टिनेंट का लैंडमास है, इसके आगे ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो कि ओशियन में एक्सटेंडेड पोर्शन में है। फिर स्लोप आ जाती है जो अच्छा खासा स्लोप लिए हुए है। फिर बाकी कैनियंस वगैरह होती है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, हम लोग बात करेंगे। फिर आ जाती है ट्रेंच, ट्रेंच तो होती है आपको पता ही है, अबाइजल प्लेन आ जाती है, और इस अबाइजल प्लेन से जो कनेक्टिंग बॉडी है इसको हम लोग बोल रहे हैं बेसिकली कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज हो जाएगा, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए एक और रिफ्ट वैली टाइप की बनी हुई है, दिस रिफ्ट इज बिकॉज ऑफ ओशियन कन्वर्ज डाइवर्जेंस। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट प्लेट वही प्लेट टेक्टोनिक जिसके कारण से यहाँ पर रिफ्ट वैली बनी हुई है। इस रिफ्ट वैली में देखिए दो तरीके के सरफेस दिखे हुए हैं, जहां पर एक लिखा हुआ है गायोट और दूसरी साइड आइलैंड लिखा हुआ है। एक्चुअली होता क्या है कि तीन तरह के कंसेप्ट होते हैं, एक होता है आइलैंड, दूसरा होता है जिसको हम लोग रिज बोलते हैं, और तीसरी इसी में आ जाती है जिसको हम लोग गायोट्स बोल रहे होते हैं। तो इन सबके बारे में अभी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सी माउंट। तो यह बेसिकली चार तरीके के कंसेप्ट होते हैं जो एक जैसे ही होते हैं, इनके बारे में हम लोग जरा डिटेल में भी चर्चा करेंगे। बस फोटोग्राफ देख लीजिए आप यहाँ पर कि ये सी माउंट है, जहां पर ये छोटा सा बना हुआ है। आइलैंड आप देख सकते हैं कि काफी ऊपर, मतलब वाटर बॉडी के बाहर निकल गई है, और गायोट देख सकते हैं कि ये ऊंचा तो जरूर है बट ये अभी भी सरफेस के, मतलब कि ओशियन सरफेस के नीचे है। बाकी यहाँ पर भी स्लोप शेल्फ ये सब बनी हुई है क्योंकि दोनों साइड में कॉन्टिनेंट आ रखा है। यहाँ देख सकते हैं कि जोन ऑफ डाइवर्जेंस बनी हुई है, जहां पर एक साइड में ओशियानिक क्रस्ट है, दूसरे साइड में भी ओशियानिक क्रस्ट है, और दोनों एक दूसरे के साथ में ये डाइवर्ज कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं और जरा डिटेल में चर्चा करना शुरू करते हैं इसके बारे में। तो ओशियन रिलीफ इज बेसिकली फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिक, ओशियानिक, इरोजनल एंड डिपोजिशनल प्रोसेस एंड देयर इंटरेक्शन। ये सारी प्रोसेस लगातार एट द सेम टाइम हो रही होती है। ओशियन रिलीफ फीचर्स आर डिवाइडेड इनटू मेजर एंड माइनर रिलीफ फीचर्स। दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, मेजर वो होते हैं जो बड़े बड़े रूप में होते हैं, और जबकि जो माइनर रिलीफ फीचर्स होते हैं वो छोटे छोटे फॉर्मेट में होते हैं, ज्यादा कुछ बड़े नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो मेजर फॉर्मेट में आ जाती है, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गई, राइज हो गई, स्लोप हो गई, डीप सी प्लेन जिसे हम अबाइजल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। जो माइनर प्लेट्स होती हैं या फिर माइनर रिलीफ्स होती हैं बेसिकली वो छोटे छोटे रूप में होती हैं, जैसे देख सकते हैं कि रिजेस के फॉर्मेट में होती हैं, हिल्स के फॉर्मेट में होती है, सी माउंट, गायोट, ट्रेंचेस, दिस इज बेसिकली ट्रेंचेस, कैनियंस, स्लेप्स, फिर फ्रैक्चर जोन, आइलैंड आर्क, इस तरीके से तमाम चीजें हो जाती हैं।
वन बाय वन करके हम लोग सबको डिस्कस करेंगे और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मेजर ओशियानिक रिलीफ के बारे में। मेजर ओशियानिक रिलीफ में सबसे पहले हमारी टॉपिक आती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ हम लोगों ने जैसा कि देखा कि दिस इज बेसिकली द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट होती है जो बेसिकली लैंड मास एंटर कर रही होती है ओशियन में। इसका स्लोप कुछ खास होता नहीं है, स्लोप बोल सकते हैं कि 1 to 2 degree के अराउंड अराउंड देखने को मिल जाती है और ये बेसिकली एक तरीके से डॉकयार्ड बना रही होती है। किस चीज का डॉकयार्ड? वही जो शिप्स आती हैं डॉकयार्ड बना रही होती है, बंदरगाह के पास में पोर्ट बना रही होती है। दिस इज बेसिकली जेंटल स्लोपिंग सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट। दिस एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट आर ऑक्युपाइड बाई रिलेटिव शैलो सी एंड गल्फ। इसकी ओशियन में अगर टोटल इसकी संख्या को देख ली जाए तो नियर अबाउट 7.8% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ओशियन ये कवर किए हुए हैं। एंड दीज आर इंपॉर्टेंट लोकेशंस फॉर व्हाट? दीज आर इंपॉर्टेंट लोकेशंस फॉर पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन के लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होती है। ग्रेडियंट जो होती है इसकी 1 degree या उससे कम होती है, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। द शेल्फ टिपिकली एंड एट अ वेरी स्टीप स्लोप कॉल्ड द शेल्फ ब्रेक। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर कवर्ड विद वेरिएबल थिकनेस ऑफ सेडिमेंट ब्रॉट डाउन बाई द रिवर्स। अब ऑब्वियस ही बात है, जितने भी इरोजन करने वाले एजेंट है, तो जितने भी इरोजनल एजेंट्स है, जैसे आपका मेनली रिवर ही होती है या फिर ग्राउंड वाटर होती है, ये सारे अपने जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो ले आकर के डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि एस्चुरी फॉर्मेशन कर रही है अगर रिवर, तो एस्चुरी फॉर्मेशन करने के कारण से आप डेल्टा फॉर्मेशन तो हो नहीं पाया है कि अपना सेडिमेंट ये डिपॉजिट कर दे, तो इस कारण से एस्चुरी जो अपने सेडिमेंट को अपने साथ ले करके कैरी करके आ रही है, उसे इसी ओशियन बॉटम पे यहां पर ये डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। दिस आर नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द रिवर बट ऑल्सो ग्लेशियर विंड एंड अदर इरोजनल एजेंट के कारण से भी होती है। मैसिव सेडिमेंटरी डिपॉजिट्स रिसीव ओवर अ लॉन्ग टाइम बाय द कॉन्टिनेंटल शेल्फ बिकम द सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन का ये सोर्स होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें तो देखिए, ऑल इंडिया तो छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर लगभग कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाया जाता है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंटल शेल्फ का नाम यहां पर दिया है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया का हो गया, या फिर ग्रेट बैंक हो गया, या फिर न्यूफाउंडलैंड हो गया, सबमर्ज्ड रीजन नियर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनी हो गया। इनफैक्ट मुंबई में भी कई सारे छोटे छोटे आइलैंड जैसे एलिफेंटा आइलैंड, ये सारे के सारे भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ही बेसिकली पार्ट होते हैं। आगे अगर बात करें तो ये शेल्फ जो है बेसिकली वो अलग अलग तरीके से बन रहे होते हैं। जैसे एक होता है जो कॉन्टिनेंट होता है वो सबमर्ज कर जाता है हमारे ओशियन में, ये बेसिकली हो गया है जो प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से डिस्कस किया गया था। तो प्लेट टेक्टोनिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है और दूसरे साइड में हमारी ओशियानिक प्लेट होती है। ये दोनों आपस में जब कन्वर्ज कर रही होती है तो कॉन्टिनेंटल प्लेट बेसिकली ऊपर उठ जा रही होती है और यहाँ पर ओशियानिक प्लेट नीचे चली जा रही होती है। तो इस तरीके से जो बॉटम रिलीफ बनती है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनाने में जिम्मेदार होती है। इसके अलावा एक दूसरी भी चीज हो सकती है, जहां पर मान लेते हैं कि ये हमारी नॉर्मल सरफेस बनी तो बनी, साथ में वाटर लेवल जो है वो राइज कर गया था। वाटर लेवल राइज करने के कारण जो सरफेस पहले एक्सपोज्ड टू द सरफेस मतलब लैंड मास सन की तरफ एक्सपोज हुआ करता था, वो अब वाटर के नीचे चला गया, ओशियन वाटर के नीचे चला गया और अल्टीमेटली दिस फॉर्म अ न्यू कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसके अलावा होती है जो रिवर जो होती है वो लगातार सेडिमेंटरी डिपॉजिट्स कर रही है, उनके कारण से भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन रही होती है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें देख लेते हैं कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि कहां पर किस तरीके का शेल्फ बन रहा होता है। इससे आपको एक तो अंडरस्टैंडिंग की और अच्छी मैच्योरिटी आ जाती है और साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। यहां पर देखें अगर तो दीज आर वेरियस टाइप ऑफ शेल्फ्स बेस्ड ऑन डिफरेंट सेडिमेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल ओरिजिन। कौन कौन सी है? जैसे एक होती है जो ग्लेशिएटेड होती है, जैसे ग्रीनलैंड के आसपास है। इसी तरीके से कोरल रीफ होती है जो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास में बना हुआ है, इनफैक्ट लक्षद्वीप इंडिया का भी इसी तरीके से बना हुआ है। शेल्फ ऑफ लार्ज रिवर जैसे नाइल डेल्टा वगैरह हो गई, यहां पर भी बना रही होती है। डेंड्रेटिक वैली होती है जो हडसन बे यूएस के अराउंड में बना रही होती है और साथ में
कुछ माउंटेन रेंजेस के कारण से भी, जैसे हवाई आइलैंड हो गया, यहां पर भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन जा रही होती है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फियॉर्ड्स, दीज आर फियॉर्ड्स। ये बेसिकली स्कैंडिनेवियन रीजन में पाया जा रहा होता है। इन स्कैंडिनेवियन रीजन को जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको इस तरीके से दिखेगा तो जरूर, लेकिन यहां पर कटाफटा है, दिस इज बेसिकली बहुत कटाफटा इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली सारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पार्ट है। ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है बेसिकली ये सारी बनी थी प्लीस्टोसीन आइस एज में, दीज आर प्लीस्टोसीन आइस एज की फॉर्मेट। और यहां पर रिट्रीवल ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा था जिसके कारण से ये इस तरीके का फियॉर्ड शेप बना के रखा हुआ है। इस शेप को बेसिकली फियॉर्ड शेप बोला जाता है। ये सब ऑलरेडी मैंने आपको लैंडफॉर्म में बताया हुआ था, वहां पर आप समझ ही गए होंगे। आगे अगर बात करें तो आगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आती है कि इसकी एवरेज विथ कितनी होती है। इसकी एवरेज विथ देखिए 70-80 किलोमीटर होती है, और इसी वजह से यहां पर ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज यहां पर इंस्टॉल की जाती हैं, और इस तरीके से यहां पर ऑयल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। दी शेल्फ आर ऑलमोस्ट एब्सेंट और वेरी नैरो अलोंग सम ऑफ द मार्जिन्स लाइक द कोस्ट ऑफ चिली एंड सुमात्रा। जैसे अगर वेस्टर्न कोस्ट के, वेस्टर्न घाट के बारे में ही बात करें तो वेस्टर्न घाट में यहां पर आपको तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलेगा वो काफी ज्यादा हाइट पे मिलेगा। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट, हमें पता है कि हाइट वेस्टर्न घाट की काफी ज्यादा है। वेस्टर्न घाट, जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं बताऊंगा कि वेस्टर्न घाट जो होती है उसकी हाइट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट। कुछ इस तरीके का फोटोग्राफ देखने को मिलता है। अब ऑब्वियस ही बात है कि यहां पर जब आप रहेंगे तो आपको तुरंत के तुरंत ओशियन मिल जाएगा। ओशियन मिलने का रीजन ये है कि इसकी हाइट ज्यादा है, और इस तरह से यहां पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलेगा वो रिलेटिवली लार्जर स्लोप का होगा एज कम्पेयर टू द अदर स्लोप। तो इस तरीके से यहां पर वेरी नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलता है, जस्ट लाइक चिली और सुमात्रा का जैसे मिलता है, सेम वैसे ही। अप टू 120 किलोमीटर वाइड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस, ऑन द कंट्ररी साइबेरियन शेल्फ इन द आर्कटिक ओशियन, दीज आर द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्ट्रेचेस टू 1500 किलोमीटर इन द विथ। तो ये देख सकते हैं कि आर्कटिक ओशियन में ऑब्वियसली यहां पर जो साइबेरियन इलाका होता है वो एक्सटेंडेड पोर्शन में होता है। तो यहां पर तो केस अलग है, केवल एग्जाम्पल के रूप में याद रखिएगा। डेप्थ के फॉर्मेट में बात करें तो डेप्थ जो होती है वो नियर अबाउट 30 मीटर तक पाई जा रही होती है, कई बार ये बढ़ करके 600 मीटर तक हो सकती है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि 30 मीटर कितना हुआ और 600 मीटर कितना हुआ, तो कितना ज्यादा यहां पर एक गैप देखने को मिल रहा है। 600 मीटर की जो डेप्थ है बेसिकली वो आप देख सकते हैं कि इंडिया के वेस्टर्न घाट के जगह पे मिल जाएगी, और दूसरी जो ये साइबेरियन वगैरह है यहां पर आपको हल्की छोटी डेप्थ देखने को मिलेगी, ऑब्वियसली क्योंकि यहां पर एक्सटेंडेड काफी ज्यादा है। अगर इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो देखिए, यह इलाका ऐसा है जो लैंड को सी से, ओशियन से कनेक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर क्या क्या हो सकता है। एक तो यहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो निकाले जाते हैं वो निकाले ही जाएंगे, साथ ही साथ में मरीन फूड बेसिकली निकाल लिए जाएंगे, रिच फिशिंग ग्राउंड्स बन जाएगा, फिशिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, मिनरल्स निकालने शुरू हो जाएंगे, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हो गए, ये सब निकालना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली थी हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। आगे बढ़े हो तो आगे हमारी आती है कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो अब हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ से कॉन्टिनेंटल स्लोप की तरफ बढ़ गए हैं। तो शेल्फ आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्लोप है रिलेटिवली कम है। नाउ स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो था ये कनेक्ट कर रहा था लैंड को ओशियन के साथ में। अब जो स्लोप है ये बेसिकली कनेक्ट कर रही है शेल्फ को राइज के साथ में, मतलब कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक हाइट अचीव करके इस कॉन्टिनेंटल लैंडमास को अब ये ओशियन से कनेक्ट करने की, ओशियन बॉटम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो दिस स्लोप बेसिकली कनेक्ट द शेल्फ विद द ओशियन बेसिन या ओशियन बॉटम। इट बिगिंस वेयर द बॉटम ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ शार्पली ड्रॉप ऑफ इनटू अ स्टीप स्लोप। ग्रेडियंट जो होती है इसकी ऑब्वियसली ज्यादा देखने को मिलेगी, 2-5 डिग्री देखने को मिलती है, और डेप्थ इसकी 200-3000 मीटर ये वेरी कर सकती है। सीवर्ड एज ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप लूजेस ग्रेडियंट एट दिस डेप्थ एंड गिव्स राइज टू कॉन्टिनेंटल राइज। ऑब्वियसली बात है कि यहां पर अगर हाइट बहुत ज्यादा रहेगी तो यहां का जो ओशियन के कारण से जो प्रेशर है वो ये फेस नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली ब्रेक करके शटर डाउन हो जाएगा, और इस तरीके से इसकी जो स्लोप है वो छोटी हो जाएगी, और इस तरीके से कंटिन्यूअसली आगे जाकर के राइज में कन्वर्ट हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल राइज वर ऑल्सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप, बट बिकॉज ऑफ द इरोजन प्रोसेस
दे आर कन्वर्टेड इन कॉन्टिनेंटल राइज. ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप बाउंड्री इंडिकेट द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट, और इस तरीके से यहां पर एंड हो जाती है ओशियन बॉटम की, स्टार्ट हो जा रही होती है. यहां पर कई सारी चीजें बन रही होती हैं, जैसे कैनियन हो गई या ट्रेंचेस हो गई. जैसे अगर मान लेते हैं ये हमारी कॉन्टिनेंट थी और ये हमारी ओशियन थी, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है. ये मान लेते हैं दिस इज कॉन्टिनेंट एक्चुअली एंड दिस इज ओशियन एंड दे आर कन्वर्जिंग. ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कन्वर्ज कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा और ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफॉर्मेशन हो जाएगी. डिफॉर्मेशन होने के बाद जब ये ओशियन के अंतर्गत आ जाएगी इस तरीके से, तो यहां पर बेसिकली एक ट्रेंच बना. एंड ट्रेंच इज बेसिकली वॉट, ट्रेंच इज द लास्ट पोर्शन ऑफ कॉन्टिनेंट. क्योंकि इस ट्रेंच के बाद, इस ट्रेंच यहां पर ये कॉन्टिनेंट है, ट्रेंच अगर आ गया तो उसके बाद से फिर ओशियन बॉटम स्टार्ट हो जाएगी. इसीलिए बोला जाता है कि ये जो कैनियन या फिर ट्रेंचेस है, दीज आर ऑब्जर्व्ड इन दीज कॉन्टिनेंटल स्लोप रीजन, बिकॉज आफ्टर दिस कॉन्टिनेंटल स्लोप ओशियन बॉटम स्टार्ट हो जाती है. क्लियर. नेक्स्ट आती है हमारी ओशियन बॉटम के बाद, नेक्स्ट हमारी आ गई, ये हमारी हो गई कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर कॉन्टिनेंटल राइज, फिर उसके सॉरी कॉन्टिनेंटल स्लोप. अब ये कॉन्टिनेंटल राइज आ जाएगी एंड दिस इज द मेन लैंड मास विच एक्चुअली कनेक्ट द ओशियन बॉटम. तो ओशियन बॉटम से इसी को कनेक्ट कर रहा होता है, और ओशियन बॉटम पे जो चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं अबाइजल प्लेन. दिस इज अबाइजल प्लेन. जैसे हमारे यहां पर नॉर्मल प्लेन्स होती है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया जैसे है, वैसे ही अबाइजल प्लेन होती है और ये ओशियन प्लेन्स होती है. तो दीज आर दीज कॉन्टिनेंटल स्लोप ग्रेजुअली कनेक्ट इट्स स्टीपनेस विद द डेप्थ व्हेन द स्लोप रीचेज अ लेवल ऑफ बिटवीन 5 डिग्री 0.5 डिग्री टू 1 डिग्री, इट इज रेफर्ड टू एज कॉन्टिनेंटल राइज. तो ये कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल राइज भी एक समय स्लोप का पार्ट हुआ करते थे, जो कि इरोजन के कारण से अब ये कॉन्टिनेंटल राइज में बदल गए हैं. विद इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द राइज becomes virtually flat and merges into the abyssal plain. Again, वही erosional feature और इस तरीके से plain में बदल गया है. हमारी next concept आती है जिसको हम लोग abyssal plain बोलते हैं, और ये abyssal plain basically featureless plain होती है, या फिर कह सकते हैं कि these are plain topography. ये plain topography में आ जा रही होती हैं. तो deep sea plains are gentle sloping areas of ocean basins. These are flat, smoothless region. ठीक है, और यहां पर बेसिकली टेरिजिनस डिपॉजिट्स या फिर शैलो वाटर सेडिमेंट्स ये आकर के यहां पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं. क्योंकि अभी तक जितना भी हम लोगों ने चीजें देखा, चाहे वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखा हो, चाहे स्लोप देखा हो, चाहे राइज देखा हो, इन सब में बेसिकली जब भी डिपॉजिट आकर के अगर आएगा तो ऑब्वियसली ये यहां पर स्लोप के कारण से अल्टीमेटली प्लेन एरिया में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा. तो जितने भी टेरेस्ट्रियल टेरिजिनस, टेरिजिनस का मतलब जो भी सरफेस से लैंडमार्क से आ रही है वो, और जो यहाँ के वाटर के कारण से आई है, सेडिमेंट के कारण से आई है, ये सारी भी यहीं पर आकर के डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है. ये बेसिकली ओशियन फ्लोर का 40% कवर कर रही होती है, और इसकी डेप्थ जो होती है 3000 से 6000 मीटर तक पाई जा सकती है. दिस प्लेन आर कवर्ड विद द फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स लाइक क्ले एंड सिल्ट, बिकॉज यहां तक आते आते एब्रेजन कोरेजन प्रोसेस के कारण से जो सरफेस की लेयर बड़ी भी होती है, अगर मान लीजिए उसकी साइज बड़ी है तो भी वो छोटी हो जाती है, और अल्टीमेटली ये प्लेन क्ले या फिर सिल्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं. अब छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जो माइनर रिलीफ फीचर में आते हैं, अबाइजल प्लेन में ही आते हैं. यहां पर अगर देखेंगे तो बेसिकली चार कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे. एक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिज के बारे में, फिर सी माउंट के बारे में, फिर गायोट्स के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे एक और आइलैंड के बारे में. कुछ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी कर रखा है, उसको रिपीट भी कर लेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट्स नए भी यहां पर देखने को मिल जाएंगे. जैसे सी माउंट के बारे में बात किया जाए, सी माउंट जो होती है माउंटेन विद पॉइंटेड समिट होती है, जो कि सी फ्लोर से राइज कर गई है. इनकी हाइट 3000 to 4500 मीटर तक हो सकती है. जैसे कुछ इलाकों में यह पाई जा रही होती है, जैसे हवाई आइलैंड हो गया, मार्शल आइलैंड हो गया, एल्यूशियन हो गया, इन सब जगहों पर सी माउंट बहुत ज्यादा पाई जाती है. एक छोटे से एग्जांपल के रूप में अगर बात करें, मान लेते हैं कि ये हमारी ओशियन है, दिस इज ओशियन, ये ओशियन का एक्चुअली वाटर लेवल है, दिस इज वाटर लेवल ऑफ ओशियन, और यहां कहीं नीचे मान लेते हैं कि हमारा ये ओशियन बॉटम है, दिस इज ओबी ओशियन बॉटम. ऑब्वियसली यहां से वोल्केनिक इरप्शन या फिर हॉटस्पॉट किसी भी तरीके से मैग्मा बाहर आ रहा होगा, तो मैग्मा बाहर आएगा तो ऑब्वियसली वो जम जाएगा, तो जमने के कारण से कई तरीके के सरफेस बन सकते हैं. एक बन सकता है जो नॉर्मल फ्लैट सरफेस हो सकता है कि आगे कोन शेप लिया हुआ हो इस तरीके से,
हो सकता है कोन शेप इस तरीके से लिया और हो सकता है कि रिज जो होती है वो बड़ी बन गई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर ये थोड़ा सा इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये जो रिज है, दिस इज बेसिकली अ रिज, एक ऐसी रिज जिसकी साइज काफी ज्यादा बड़ी होती है और जो सरफेस को एक्सपोज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं आईलैंड। आईलैंड हो गया कि नहीं हो गया, द्वीप समूह हो गया, तो ये बेसिकली क्या हो गया, लैंड मास हो गया और इसके चारों ओर में ओशियन है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आईलैंड बोल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है जो हमारी रिज होती है, रिज बेसिकली होती है माउंटेन की, माउंटेन टाइप का ही होता है, ओशियनिक माउंटेन आप इसे बोल सकते हैं। ये बेसिकली वाटर के नीचे ही रहेगा और इसकी जो हाइट रहती है वो ज्यादा होती है रिलेटिवली। तो अगर मान लेते हैं कि हाइट रिलेटिवली ज्यादा है तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये रिज प्रिंस रिज है बेसिकली। रिज से जिसकी हाइट छोटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं सी माउंट। तो ये भी बेसिकली रिज ही है बट ये इसकी हाइट कम है। हो सकता है कि जो सी माउंट की अगर हाइट बढ़ जाए तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रिज, दैट्स द पॉसिबिलिटी। ओके, अब इसके बाद से हो सकता है कि जो सी माउंट है या फिर रिज है, ये दोनों के दोनों बिकॉज ऑफ द इंफ्लुएंस ऑफ द वॉटर, यहां पर हाई प्रेशर में वॉटर यहां पर जो चल रही है, फ्लो कर रही है, उसके कारण से हो सकता है इसका जो टॉप है वो टूट जाए और टॉप टूटने के बाद में आपको एक फ्लैट फीचरलेस सरफेस मिल जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली गायोट्स। समझ में आ गया चारों टर्म का मतलब, रिज का मतलब समझ में आ गया, सी माउंट, गायोट्स एंड आईलैंड का मतलब समझ में आ गया, सारा ही एक जैसा एक ही पॉइंट से रिलेटेड है, बस ये डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सिमिलरली गायोट्स देखिए, दीज आर फ्लैट टॉप्ड, सी माउंट्स आर कॉल्ड एज गायोट्स। क्लियर हो गया, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। और लास्ट में एक और पॉइंट है, इसको इरेज करता हूं। सी माउंट्स एंड गायोट्स आर वेरी कॉमन इन पैसिफिक ओशियन वेयर दे आर एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 10,000 पाई जा रही होती है। क्यों? क्योंकि पैसिफिक ओशियन एक्चुअली बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, और इस ब्रॉड होने के कारण से ही ये सारी फीचर्स यहां पर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी मिड ओशियनिक रिज। मिड ओशियनिक रिज के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था जब हम लोग डाइवर्जेंस प्लेट के बारे में बात किए हुए थे। इस डाइवर्जेंस प्लेट में हम लोगों ने बात किया था कि यहां पर मान लेते हैं एक प्लेट है, यहां पर मान लेते हैं दूसरी प्लेट है, और ये दोनों प्लेट एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही हैं। इस डाइवर्ज करने के कारण ऑब्वियसली यहां पर बीच में फिर से वो रबर बैंड वाली स्थिति बन जा रही होगी, और रबर बैंड के कारण से अल्टीमेटली यहां का सरफेस वीक हो चुका है, और इस वीक सरफेस के कारण से नीचे से जो भी ये हाई प्रेशर लग रही थी वो तोड़ करके अब अल्टीमेटली वोल्केनिक इरप्शन कर जा रही होती है। वोल्केनिक इरप्शन के बाद अल्टीमेटली होता क्या है कि यहां पर जो भी आइलैंड इस तरीके से जमा हो जाते हैं वो अब लाइन से पैरेलल वे में आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड ओशियनिक रिज। क्यों? क्योंकि ये ओशियन के मिड में है, यहां पर भी एक ओशियन है, दिस इज द ओशियन, यहां पर भी एक ओशियन है, और अल्टीमेटली इन दोनों ओशियन के बीच बीच में ही इस तरीके की चीजें डेवलप हो जा रही होती हैं। तो मिड ओशियनिक रिज इज कंपोज्ड ऑफ टू चेन ऑफ माउंटेन सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिप्रेशन, जिसको कि हम लोग डाइवर्जेंट बाउंड्री में देख सकते हैं। द माउंटेन रेंज कैन हैव पीक एज हाई एज 2500 मीटर, मतलब 2.5 किलोमीटर तक की ये चीज जा सकती है, और सरफेस को एक्सपोज भी कर सकती है, आइलैंड भी बना सकती है, जैसे बहुत सारे आइलैंड बने भी हैं, मार्शल वगैरह यही सब है। ठीक है, तो मार्शल आइलैंड काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है, इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्शल हो गया, वनुआटू हो गया, ये भी जो होता है काफी ज्यादा न्यूज में बना रहता है। ठीक है, तो रनिंग फॉर लेंथ ऑफ 75,000 किलोमीटर दीज रिज फॉर्म द लार्जेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑन द अर्थ सिस्टम। These ridges are either broad like a plateau, gentle sloping air in the form of steep slided narrow mountain. तो अगेन ये माउंटेन्स वगैरह जो होती है वो ओशियनिक फीचर होती है, जस्ट लाइक द माउंटेन ऑफ द लैंड मास। ठीक है, दीज ओशियनिक रिजेस सिस्टम आर ऑफ टेक्टोनिक ओरिजिन, क्योंकि डाइवर्जेंस प्लेट के कारण से बन रही है तो ऑब्वियसली टेक्टोनिक ओरिजिन की तो हो ही गई, एंड प्रोवाइड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आइसलैंड, यहां पर मिड ओशियनिक रिज पाई जा रही होती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जिसको हम लोग ओशियनिक डीप्स बोलते हैं, जिसे हम ट्रेंच भी बोल सकते हैं। ये बनती है जब कॉन्टिनेंट हमारा यहाँ पे खत्म हुआ है और उसके बाद से ओशियन बॉटम स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर एक ट्रेंच बन गई है। इस ट्रेंच का जनरेशन केवल और केवल प्लेट टेक्टोनिक से ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर बोल सकते हैं कि दीज आर द स्टीप साइडेड नैरो बेसिन डिप्रेशंस एंड दीज एरिया आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, दे आर द टेक्टोनिक ओरिजिन and are formed during ocean convergence and ocean continent convergence, क्योंकि यहां पर हमें density differentiation देखना जरूरी हो जाएगा।
जनरली ये 3 to 5 किलोमीटर डीपर होते हैं, लेकिन कई जगहों पर ये इससे भी ज्यादा डीपर होते हैं, जस्ट लाइक मेरियाना ट्रेंच विच इज देयर इन द पैसिफिक ओशियन. तो ट्रेंचेस लाई अलोंग द फ्रिंजेस ऑफ द डीप सी प्लेन ऑफ एट द बेसिस ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड अलोंग आईलैंड आर्क्स. दीज ट्रेंचेस रन पैरेलल टू द बॉर्डरिंग फोल्ड माउंटेन और द आईलैंड चेन्स. जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि एंडीज हो गई या फिर रॉकीज हो गई, एप्लेशियंस हो गई, ये सारी की सारी बेसिकली क्या है, ये फोल्ड माउंटेन्स है. और ये फोल्ड माउंटेन अल्टीमेटली ट्रेंच के ही बियॉन्ड होते हैं. जैसे यहां पर देख सकते हैं ट्रेंच बना है और कॉन्ट्रेंच जब टकराया होगा तो डिफॉर्म हुआ ही होगा, फोल्ड माउंटेन बन गए. और ये फोल्ड माउंटेन वही एंडीज हो गई, रॉकीज हो गई, इन सबके फॉर्मेट में आ जाती है. द ट्रेंच आर वेरी कॉमन इन द पैसिफिक ओशन एंड फॉर्म एन ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस रिंग अराउंड द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द पैसिफिक. तो यहां पर काफी ज्यादा पाई जाती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मरियाना ट्रेंच दिया गया है. इसके अलावा और भी कई सारे ट्रेंचेस वगैरह होते हैं, ठीक है. तो दे आर एसोसिएटेड विद एक्टिव वोल्केनो एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, क्योंकि यहां पर जो इलाका है वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ में टकरा रहा होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री के कारण से टकरा रहा होता है, एंड दैट इज वाई ट्रिमर्स जनरेट हो रही होती है. और ट्रिमर के कारण से वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक, ये सब काफी नॉर्मल प्रोसेस है, होती रहती है. As many as 57 deeps have been explored so far, of which 32 are in Pacific Ocean and 19 in Atlantic and 6 in Indian Ocean. Indian Ocean में कम है, बाकी जगहों पे ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी हैं. फिर आती है हमारी सबमरीन कैनियंस. हम लोगों ने although river के कारण से लैंडफॉर्म जब डिस्कस किया था तो वहां पर हम लोगों ने बात किया था कैनियन के भी बारे में, और साथ में हम लोगों ने बात किया था गॉर्जेस के बारे में. यही वो कैनियन है, लेकिन अब ये सबमरीन मतलब कि मरीन के अंदर, मतलब कि आपके ओशन बॉटम के अंदर आ गई है. तो जो बेसिकली कैनियंस होती है, डीप गॉर्जेस होती है, स्पेशली वन विद द रिवर फ्लोइंग थ्रू इट, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, गॉर्ज के बारे में हम लोगों ने बात ही कर लिया था. वैली जो होती है बेसिकली वो डिप्रेशन होती है जो माउंटेन और हिल के पास में पाई जा रही होती है. अगर ये सारी जितनी भी कैनियन है, अगर ये कैनियन का जनरेशन, क्योंकि लैंडमास में ही होना है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप या राइज यहीं पर कहीं पर होना है, अगर ये ओशियन बॉटम के नीचे अगर मान लेते हैं कि कैनियंस बन जा रही होती हैं, तो इस कैनियन को हम लोग बोलते हैं सब मरीन कैनियन. क्लियर हो गया. तो दे आर समटाइम्स फाउंड कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप, ऑफन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द लार्ज रिवर. जैसे एग्जाम्पल हडसन कैनियन इज द बेस्ट कैनियन इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस सब मरीन कैनियन. उसी तरीके से यूएस में एक और कैनियन पाई जाती है जिसको मैंने बोला हुआ था ग्रैंड कैनियन, और ये कैनियन बेसिकली रिवर के कारण से बन रही होती है और जहां पर आप जाकर के इसको विजिट भी कर सकते हैं. ग्रैंड कैनियन बेसिकली तीन तरीके से होती है, एक होती है जिसको स्मॉल गॉर्जेस कह सकते हैं, फिर उसके बाद से बड़ी होती है. तो ये सब हालांकि जो होती है काफी डिटेल में लिखी गई है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इसको आप केवल एक बार रीड कर सकते हैं. दीज आर बेसिकली फैक्चुअल डिटेल, ये केवल फैक्चुअल डिटेल है, यहाँ पर समझने की कोई बात नहीं है और ऐसा चीज इंपॉर्टेंट भी नहीं आपके एग्जाम के लिए. आगे बढ़ते हैं, एटॉल के बारे में बात करेंगे. हालांकि हम लोग एटॉल के बारे में काफी डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम लोग कोरल रीफ के बारे में बात करेंगे, हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास में आपका ये एटॉल आएगा. यहाँ पर बस एक डेफिनेशन के तौर पर देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अगेन वही कंप्लीशन हो जाएगी आपकी कि इस इलाके में हम लोग बात कर ही रहे हैं तो ये अटॉल भी पाए जाते हैं. तो दे आर बेसिकली लो आइलैंड फॉर्म इन द ट्रॉपिकल ओशियन कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रीफ सराउंडिंग अ सेंट्रल डिप्रेशन. इट मे बी पार्ट ऑफ सी लगून और समटाइम्स फॉर्म इनक्लोजिंग अ बॉडी ऑफ फ्रेश ब्रैकिश सैलाइन वाटर. जैसे एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर कोरल रीफ होती क्या है, दीज आर बेसिकली कैल्शियम के ही कंपाउंड होते हैं, जो भी शेल्फ्स होती हैं, जो भी मरीन एलिमेंट होती है उसकी कैल्शियम की ही. अब हड्डियां वड्डियां तो कैल्शियम की ही होती है, जो उसकी शेल वगैरह होती है कैल्शियम की होती है, ये सब जमा होना शुरू हो जाता है और जमा होकर के अल्टीमेटली अलग अलग तरीके से बन रही होती है. जैसे फ्रिंजिंग रीफ बनती है, फिर बैरियर रीफ बनती है, फिर उसके बाद अटॉल्स वगैरह बन जाती है. तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से बन जा रही होती हैं. इसके बाद हमारा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और भी आते हैं, इसको हम लोग बैंक शोल्स एंड रीफ्स भी बोलते हैं. तो रीफ के बारे में तो ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे कि दिस इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कोरल रीफ. कोरल रीफ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये बैंक और शोल है इसके बारे में जरा सा देख लीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इन द साउथ चाइना सी. यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे शोल्स हैं, जैसे स्कलबरो हो गया या फिर स्प्रैटली हो गया, पार्सल हो गए, ये सभी इलाके जो चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा कैप्चर किए गए हैं, जो कि अलग अलग मतलब कंट्रीज के हैं, जैसे फिलीपींस हो गए, इंडोनेशिया की हो गए, इन सारे लोगों के शोल्स के ऊपर चाइनीज गवर्नमेंट ने कब्जा करके रखा हुआ है. क्या चीज है साउथ चाइना सी, जब डिस्कस करेंगे हम लोग तब बात करेंगे कभी क्या चीज है इसके बारे में, अदरवाइज यू कैन ऑब्वियसली गूगल इट.
चले खैर, तो बैंक शोल्स एंड रीफ के बारे में अगर बात करें तो दीज आर बेसिकली मरीन फीचर्स, या फिर बोल सकते हैं कि दीज आर माइनर मरीन फीचर्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इरोजनल डिपोजिशनल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. दीज आर प्रोड्यूस्ड अपॉन फीचर्स ऑफ डायस्ट्रॉफिक यानी कि अर्थ मूवमेंट के कारण से बन रहे होते हैं. ऑब्वियसली यहां पर कई सारे प्रोसेस होती हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शन के कारण से भी बन रहे होते हैं, अर्थक्वेक के कारण से भी जनरेट हो रहे होते हैं, साथ ही साथ बायोलॉजिकल भी होते हैं. बायोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया? बायोलॉजिकल का मतलब हो गया मरीन ऑर्गेनिजम्स के कारण से, मरीन एनिमल्स के कारण से यहाँ पर बन रहे होते हैं, क्योंकि इनकी हड्डियां इनके मरने के बाद इनके जो स्केलेटन्स वगैरह हैं वही जाकर का डिपॉजिट होते हैं और अल्टीमेटली दे फॉर्म टू शोल. देयरफॉर दे आर लोकेटेड अपर पार्ट ऑफ द एलिवेशन. बैंक्स के बारे में बात कर ले तो बैंक्स बेसिकली क्या होते हैं? वही बैंक जो किनारा होता है उसी को हम लोग बोल रहे हैं. तो दीज आर द मरीन फीचर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी. बैंक इज अ फ्लैट टॉप्ड एलिवेशन लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स. द डेप्थ ऑफ वाटर हियर इज शैलो बट इनफ फॉर नेविगेशनल पर्पस. द डॉगर्स बैंक इन द नॉर्थ सी एंड ग्रैंड बैंक इन द नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, ये सारी जो होती है फेमस बैंक्स हैं. इस सारे बैंक में बेसिकली फिशरिंग वगैरह की जा रही होती है, इंपॉर्टेंट फिशरी ही होती है. बाकी यहाँ से पेट्रोल वगैरह भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर ज्यादा जो होती है वो फिशिंग ही होती है. इसके बाद होती है शोल्स के बारे में. शोल्स जरा देख लेते हैं. शोल्स बेसिकली होते हैं, दे आर द डिटैच एलिवेशन ऑफ शैलो डेप्थ सिंस दे प्रोजेक्ट आउट ऑफ वाटर विद मॉडरेट हाइट. दे आर डेंजरस फॉर नेविगेशन. जैसे यहाँ पर कहने का मतलब ये है, दीज आर लाइक रिजेस जहां पर निकले हुए रहते हैं. मान लेते हैं कि आप जैसे अपनी शिप चला रहे हैं और आकर के यहाँ पर लड़ जाएंगे तो शिप आपकी अगेन वही फिर से आपकी जो है वो टाइटैनिक मूवी बनना शुरू हो जाएगी. तो टाइटैनिक मूवी में तो खैर ग्लेशियर था, बट यहाँ पर आपकी रिज से लड़ करके आप इस तरह से बन जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए है. आप क्वेश्चन इसका सर्च आउट करिएगा, गूगल करिए, किताब खोजिए, प्रोफेसर से पूछिए, कुछ भी करिए. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन रिज एंड शोल. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देयर इज अ डिफरेंस. एक्चुअली क्या डिफरेंस है आपको ये बताना है. आप टेलीग्राम बॉक्स में ही कमेंट करिएगा, टेलीग्राम में करिएगा, कमेंट बॉक्स में नहीं. तो ये बेसिकली देख सकते हैं आपकी ये शोल है और इसकी एक फोटोग्राफ ली गई है. छोटे छोटे इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीनिश बॉडी होती है. आगे अगर बात करें रीफ के बारे में तो रीफ आर बेसिकली द डेड ऑर्गेनिजम्स विच आर बेसिकली नोन एज कोरल रीफ्स. तो ये डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कैल्शियम रिच होते हैं और स्केलेटन से बने होते हैं. इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग कोरल रीफ के बारे में स्पेशली एक पूरा सेशन लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. अब लास्टली हमारा एक सिग्निफिकेंस के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओशियनिक रिलीफ. ओशियनिक रिलीफ का सबसे पहले तो सिग्निफिकेंस है कि ये मोशन ऑफ सी वाटर को कंट्रोल करती है, मतलब कि यहाँ पर सुनामी एंड ऑल दैट ये सब चीजें यहाँ पर आकर के रुकती हैं. फिर ये जो है वो ओशियन के और टेम्परेचर मतलब कि एटमोसफियर के बीच का एक सामंजस्य क्रिएट कर रही होती है. इसके अलावा नेविगेशन और फिशिंग में भी इंपॉर्टेंट होती है. अब हम लोग जरा कुछ ओशियन में आकर के देख लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, क्योंकि अगेन ये भी इंपॉर्टेंट होती है, आपको जानना जरूरी होता है. जैसे हमारे पास बेसिकली तीन ओशियन होते हैं डिस्कस करने के लिए. एक तो हो गई जो हमारी पैसिफिक ही है, दूसरी होती है जो अटलांटिक ओशियन होती है, और तीसरी होती है जो इंडियन ओशियन होती है. बेसिकली हम इस तीनों ओशियन के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ओशियंस नेविगेबल है और यहाँ पर एक्टिविटीज की जा रही होती है. तो पैसिफिक के बारे में बात करें तो काफी बड़ा और काफी डीपेस्ट है. यहाँ 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस को ये कवर किया हुआ है. इसके डेप्थ नियरली 7300 मीटर के अराउंड में होती है. काफी डिवाइड मिलता है बेसिकली वो बेरिंग स्ट्रेट पे मिलती है. बेरिंग स्ट्रेट का मतलब जहां पर एशिया, दिस इज एशिया और ये रशिया का पार्ट है, और ये जो नॉर्थ अमेरिका है या फिर कह सकते हैं कि दिस इज द यूएस का पार्ट, यूएस की स्टेट अलास्का यहाँ पे आ जाती है. इन दोनों को डिवाइड करने वाली जो लाइन है ये बेसिकली जो स्ट्रेट है, दिस इज बेरिंग स्ट्रेट. ये यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट आ जा रही होती है जो कि पैसिफिक ओशियन में ही है. मैनी मार्जिनल सीज, बे, गल्फ, ये सारी की सारी जो होती है बाउंड्री बना रही होती है, और बहुत सारे आइलैंड यहाँ पर पाए जाते हैं. इस नॉर्थ मतलब कि पैसिफिक ओशियन को हम लोगों ने अलग अलग फॉर्मेट में डिवाइड करके रखा है स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा ब्रॉड है. जैसे सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ एंड सेंट्रल पैसिफिक के बारे में अगर बात करें तो नॉर्थ एंड सेंट्रल पैसिफिक का मतलब ये हो गया कि हम लोग बात कर रहे हैं इधर है रशिया का पार्ट, इधर है यूएसए का पार्ट, और वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन. और इस रीजन में काफी ज्यादा डेप्थ हमें देखने को मिलती है, काफी ज्यादा ट्रेंचेस और डीप आइलैंड्स वगैरह पाए जा रहे होते हैं. कुछ ट्रेंचेस का अगर मैं नाम बताऊं तो देखिए एल्यूशिन और कुरील, ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंच पाए जाते हैं.
यहाँ पर कई सारे सीमाउंट, कई सारे गायोट्स, हवाईन आइलैंड ये सब पाए जाते हैं। हवाईन आइलैंड बेसिकली यूएस के ही पास में यहाँ पर छोटी 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 छोटे आइलैंड का एक ग्रुप है। अब अगर हम लोग बात करें अगर वेस्ट एंड साउथ वेस्ट पैसिफिक के बारे में, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजियन, जहां पर हम लोग जापान और बाकी के भी छोटे छोटे आइलैंड नेशंस जैसे कि आपकी फिलीपींस हो गई या फिर ईस्ट टिमोर हो गया, इनके बारे में डिस्कस कर रहा है। तो यहाँ पर डेप्थ जो होती है बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ 4000 मीटर तक पाई जाती है। यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड, मार्जिनल सीज, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और सबमरीन ट्रेंचेस वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रेंच का अगर नाम बात करें तो मेरियाना ट्रेंच, मिलंदाओ ट्रेंच, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंच पाए जाते हैं जिनकी हाइट मतलब कि जिनकी डेप्थ काफी ज्यादा डीप में है, जिससे कि माउंट एवरेस्ट भी पूरा का पूरा अंदर पता चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद आती है हमारी साउथ ईस्ट एशियन की, साउथ ईस्ट मतलब पैसिफिक की। यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड जैसे हमारे जितने भी आसियान की कंट्रीज है वो सारी यहीं पर पाई जाती है। दिस इज द कंस्पीकुअस फॉर द एब्सेंस ऑफ मार्जिनल सीज, छोटे छोटे यहाँ पर आइलैंड हैं जो कि अल्टीमेटली कनेक्टेड फॉर्मेट में है, जैसे टोंगा, अटाकामा ट्रेंचेस, यहाँ पर कुछ प्रोमिनेंट ट्रेंचेस हैं। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और अटलांटिक ओशन के बारे में बात कर लेते हैं, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं बिकॉज दीज आर बेसिकली फैक्चुअल डिटेल्स। तो अटलांटिक इज सेकेंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द पैसिफिक, हाफ ऑफ द साइज ऑफ पैसिफिक है। यहाँ पर एस शेप का है, एस शेप का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमारी नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर हमारी साउथ अमेरिका है, यहाँ पर हमारी इस तरीके से अफ्रीका आ जाती है और ये बेसिकली यूरोप हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज समथिंग लाइक एस शेप यहाँ पर आती है, जिसको हम लोग ये नॉर्थ अटलांटिक बोलते हैं और इसको हम लोग साउथ अटलांटिक बोलते हैं। तो इट टर्न्स इन ट्रेड, ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पर ओशियन करंट के बारे में हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बताऊंगा मैं कि ओशियन करंट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ट्रेड के लिए। इनफैक्ट दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग फॉर यूएसए एंड कैनेडा, कैनेडा और यूएसए के लिए, और इनफैक्ट यूरोपियन कंट्री यूके के लिए भी काफी ज्यादा ब्लेसिंग है क्योंकि यहाँ पर इनको अलग से कोई भी इंजन नहीं लगाना पड़ता है, अपने आप चली जाती है। इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर शेल्फ जो होगी अलग अलग विथ की होगी। यहाँ पर कई सारे शेल्फ पाए जाते हैं, जैसे न्यूफाउंडलैंड वगैरह वाली हो गई, ये भी जो होती है इंपॉर्टेंट शेल्फ होती है जो कि मरीन के लिए या फिर फिशिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। द लेंथ ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज मैक्सिमम इन नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट, द लार्जेस्ट विथ अकरिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट अमेरिका एंड नॉर्थ वेस्ट यूरोप। ग्रैंड बैंक्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द मोस्ट प्रोडक्टिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द वर्ल्ड। द अटलांटिक ओशियन हैज न्यूमरस और मार्जिनल सीज अकरिंग एट द शेल्फ लाइक हडसन बे, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, ये सारी यहाँ पर पाई जाती है। मिड ओशियनिक रिजेस यहाँ पर पाई जाती है और मिड ओशियनिक रिजेस जो होती है वो एस शेप के सेंटर में ही बेसिकली पाई जाती है और इसी कारण से हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सरगासो सी। ये सरगासो सी भी बेसिकली इसी कारण से यहाँ पर बन रही होती है, यहाँ पर एक तो घुमाव दे देती है, स्विलिंग दे देती है और अल्टीमेटली बीच बीच में जो ये अटलांटिक मतलब मिड अटलांटिक रिजेस हैं ये भी जो होती है इसको और ज्यादा हेल्प कर दे रही होती है। विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पैरेललिंग द एस शेप ओशियन, द रिज हैज अ एवरेज हाइट ऑफ 4 किलोमीटर इज अबाउट 14,000 किलोमीटर लॉन्ग। सी माउंट एंड गायोट भी यहाँ पर कई सारे पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन सिग्निफिकेंट नंबर, लेकिन पैसिफिक जितना नहीं है, पैसिफिक में 10,000 है, यहाँ पर उतनी नहीं पाई जाती है क्योंकि एक तो छोटा है और दूसरा यहाँ पर मतलब ट्रेड्स वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं तो यहाँ पर मूवमेंट बहुत ज्यादा है जिसके कारण से सी माउंट और गायोट उतने ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पर लिखा गया जैसे पीको आईलैंड एजोर हो गया या फिर गेप वर्दे आइलैंड हो गया, कैनेडी आइलैंड हो गया, छोटे छोटे आइलैंड है जहां पर बेसिकली इस तरीके के सी माउंट्स और गायोट्स वगैरह पाए जाते हैं। ट्रेंचेस वगैरह भी अगेन यहाँ पर जो रहेंगे सिग्निफिकेंट रहेंगे और अगेन ये भी जो होती है वो पैसिफिक से कम ही रहेंगे क्योंकि पैसिफिक में ज्यादा होते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रेंचेस का नाम लिखे हुए जैसे नॉर्थ केमैन, पुर्तो रिको, यहाँ पर दो ट्रफ एंड रोमांच एंड साउथ सैंडविच, ये दो ट्रेंच भी पाए जाते हैं। इंडियन ओशियन के बारे में अगर बात करें तो इंडियन ओशियन जो होती है थर्ड लार्जेस्ट है, छोटी होती है, अटलांटिक से भी छोटी है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। इनफैक्ट देख सकते हैं इंडिया के जस्ट साउथ में ही इंडियन ओशियन पाई जाती है। समरीन रीजन वगैरह पाए जाते हैं यहाँ पर, जैसे लक्षद्वीप हो गया, चागोस आर्चिपेलागो हो गया जो कि बेसिकली रियूनियन हॉटस्पॉट का ही पार्ट है, सोकोत्रा, चागोस रिज, ये सब यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रीजन वगैरह पाए जाते हैं। दिस रिज डिवाइड द ओशन बॉटम इनटू मेनी बेसिन्स, चीफ अमंग दीज आर द सेंट्रल बेसिन, अरेबियन बेसिन, साउथ इंडियन बेसिन, मस्करीन बेसिन, मस्करीन बेसिन भी यहाँ से मॉनसून एक्चुअली उठ रही होती है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ऑस्ट्रेलियन बेसिन। आइलैंड के बारे में बात करें तो अगेन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है जैसे अंडमान निकोबार हो गया, श्रीलंका हो गया, मेडागास्कर हो गया, जंजीबार हो गया, सेशेल्स हो गई,
मालदीव हो गई, ये सारे छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बात करें, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी यहाँ पर नैरो होती है, छोटी होती है, विथ भी इसकी कुछ खास नहीं है, और विद एन एक्सेप्शन इज फाउंडिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया नॉर्थन कोस्ट, जहां पर शेल्फ जो होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि इलाका अगेन जब इसकी टोपोग्राफी आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो आपको एक अपने आप आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रॉड पाई जानी चाहिए। बाकी डेप्थ आप देख ही सकते हैं। ट्रेंच के बारे में अगेन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस जैसे सुंदा ट्रेंच, जावा, डिमेंशिया, ये सब यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये थी हमारी आज की पूरी लेक्चर जिसमें हम लोगों ने ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में बात किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ओशन करेंट्स के बारे में, अगेन काफी इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा फैक्चुअल डिटेल होने वाली है, उसमें भी याद ही करना पड़ेगा आपको ये सारी चीजें। एग्जाम में भी आपसे लगभग हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो इन सारे सोर्सेज का यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।